हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की। सर्वप्रथम बात करेंगे आरकेएसएमबी के आकलन की प्रविष्टि और त्रुटि सुधार के संबंध में संशोधन को लेकर। साथ ही बात करेंगे शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर 15 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण ऑर्डर की। तो बात करें तो आरकेएसएमबी के जो कार्यक्रम चल रहा है राजस्थान की शिक्षा के बढ़ते कार्यक्रम के तहत आरकेएसएमबी के आकलन में विद्यार्थी के प्रदर्शन में प्रविष्टि के दौरान विसंगति के क्रम अंक का मिलान करके उसको अपडेट करने का अंतिम अवसर दिया गया है, जिसमें साल आधार पर पोर्टल पर आकलन के अंकों का मिलान करके इसके सही अंक दर्ज करने के लिए साल आधार पर मॉड्यूल चालू किया गया है। ये 20 मार्च से 25 मार्च तक पुनः आरंभ किया जा रहा है। इसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई करनी है। एक तो अंक को अपडेट करने से पूर्व यह जाँच लें कि संबंधित शिक्षक की साल आधार पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग सही रूप से की गई है। जिन भी विद्यालय में किसी भी शिक्षकों की सब्जेक्ट टीचर मैपिंग अभी तक किसी कारणवश नहीं हो पाई है, किसी भी प्रकार का कोई विषय अन्य संशोधन अगर बाकी है तो उन विद्यालयों के लिए 18 मार्च 2023 वार शनिवार तक शाला दर्पण पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग अपडेशन के लिए मॉड्यूल खोला जा रहा है। तो एक तो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग अगर अभी तक आपने नहीं की है तो वो कर ले, 18 मार्च तक शनिवार तक आपको ये कार्य करना है। इसके साथ ही जिन विद्यालयों में किसी प्रकार की सब्जेक्ट मैपिंग अपडेट करनी है तो वे शनिवार 18 मार्च तक अनिवार्य रूप से इसको अपडेट कर देवे। और इसके साथ ऐसे विद्यार्थी जिनका OCR किसी कारणवश शाला दर्पण पोर्टल पर ऐप पर सही प्रकार से अपलोड नहीं किया जा सका है, उन विद्यार्थियों के लिए संधारित जो भी OCR शीट की प्रति से जाँच कर प्रश्नों के उत्तर को 2 गुना कर यानी अंकों की प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर की जाए, जिसमें प्रत्येक प्रश्न जो है उसका 12 अंक 2 रखा गया है। इसके साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिनकी OCR अपलोड की जा चुकी है किंतु कारणवश प्रविष्ट किए गए अंक का मिलान मूल OCR के अनुरूप नहीं हो रहा है, इस स्थिति में भी अंकों को बिंदु संख्या 2 के अनुरूप अद्यतन यानी अपडेट करके ही पोर्टल पर पुनर्दर्ज करावें। इसके अतिरिक्त भी अन्य स्थिति में किसी भी कारणवश विद्यार्थी के अंक अपलोड होने से वंचित रह गए तो भी विद्यार्थियों के अंकों को अपडेट कर लें। उक्त निर्धारित अवधि दिनांक यानी 20 मार्च से 25 मार्च के उपरांत किसी भी अंक की प्रविष्टि परिवर्तन नवीन अंकन नहीं किया जाएगा। इसके लिए विषय अध्यापक, कक्षा अध्यापक, संस्था प्रधान स्वयं उत्तरदायी होंगे। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देवे, क्योंकि इस बार आरकेएसएमबी को मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कार्यक्रम के रूप में रखा गया है और इसका अंकन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बोर्ड परीक्षाओं में भी जो 5वीं वगैरह के विद्यार्थी हैं उनके लिए इनके अंकों की टोटलिंग होगी। तो ऐसे में 20 से 25 तक अपने विद्यार्थी को एक बार चेक कर लें और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग भी चेक कर लें, जिन विद्यालय ने अभी तक नहीं किया वो भी करनी जरूरी है और अंकों की प्रविष्टि होना जरूरी है। जो भी अपडेट करना है, परिवर्तन करना है, आप कर लें 20 से 25 मार्च तक। इसके साथ ही एक और खबर लेते हैं शिक्षा विभाग की ही, वो है राज्य सरकार द्वारा संचालित 5 प्रोत्साहन योजनाओं की शाला दर्पण पोर्टल पर बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर प्रस्ताव लॉक करने के संबंध में भी ऑर्डर जारी किया गया है शिक्षा विभाग द्वारा। तो राज्य की जो भी विद्यालय हैं या निजी विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विभिन्न जो भी संपूर्ण औपचारिकता पूर्ण करते के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल के बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल http://rajshaladarpan.nic.in पर के माध्यम से निम्नलिखित जो है आवेदन लिए जाने थे। तो इन प्रकार के आवेदन अगर आपके विद्यालय में अध्ययनरत ऐसे कोई विद्यार्थी तो उनके आवेदन जल्द से जल्द करवाएँ। एक तो EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के राज्य की विद्यालय में अध्ययनरत 6 से 8 तक की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना है। सेकंड है राज्य के विद्यालय में अध्ययनरत 10 व 12 के संकायवार कला है, वाणिज्य, विज्ञान में वरीयता के अनुसार सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली आर्थिक रूप से कमजोर EWS के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना है। इसके साथ ही बजट घोषणा 2021-22 की क्रियान्विति के अंतर्गत विमुक्त है, घुमंतु है, अर्धघुमंतु समुदाय के जो भी विद्यार्थी हैं जो राज्य के निजी विद्यालय में अध्ययनरत 6 से 11 तक के विद्यार्थी हैं उनको भी निःशुल्क साइकिल वितरण योजना है, इनके आवेदन भी करवाएं। साथ ही सामान्य वर्ग के, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के, राजकीय निजी विद्यालय में अध्ययनरत 10 व 12 के मेधावी विद्यार्थी जो हैं उनके लिए 15,000 रुपये की प्रोत्साहन योजना है। इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं की STDR योजना भी है। इस संबंध में रिपोर्ट जो आगे से आ रही है वो 10 मार्च तक देखें तो काफ़ी न्यून है और इस संबंध में VC में भी निर्देश दिए गए थे। तो जिलों की न्यून प्रगति को जो भी है मद्देनज़र रखते हुए अंतिम अवसर फिर से प्रदान किया जाता है विद्यालय स्तर पर कि दिनांक 18 मार्च तक योजना के जो भी पात्र विद्यार्थी उनके प्रस्ताव लॉक करके ऑनलाइन प्रेषित करना सुनिश्चित करें। वांछित प्रमाण पत्र सर्वोच्च प्राथमिकता से इस कार्य को प्रेषित करें। यदि उक्त तिथि के उपरांत भी कोई पात्र विद्यार्थी योजना से लाभ से वंचित रहता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्मिक व अधिकारी की, संबंधित अधिकारी की होगी। तो ये शिक्षा विभाग के जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स व जानकारी थी। आप सभी के लिए धन्यवाद।